इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे एक कंप्लेंट लेटर लिखें, और इस वीडियो में आपको देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आएंगे। इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल तरीका है। इसमें सारा ही मैं बता दूंगा, और इसमें आपको सिर्फ अपना दिमाग शायद 5% सिर्फ लगाना है। तो देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में अगर एड्रेस दिया हो तो आप पहले जो एड्रेस हमें लिखना होता है उसमें वही एड्रेस लिखेगा। अगर आपको एड्रेस नहीं दिया हो तो आप ये लिखेगा जो मैंने लिखा है, जो मैंने लिखा है वो है एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ना, फिर लिखना डेट, वही डेट लिखना जिस दिन आप वो लेटर लिख रहे हो। फिर एक लाइन छोड़िएगा, फिर लिखिएगा अपना जहाँ पर आपको देना है, जिस शॉप में आपको देना है, तो उस शॉप का एड्रेस जैसे मैंने लिखा है द मैनेजर आरके इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू दिल्ली। अब एक लाइन छोड़िएगा, फिर लिखिएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट छोटा होना चाहिए और थोड़े में ही पता चल जाना चाहिए कि हम लिख किसके बारे में हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है कंप्लेनिंग अबाउट डिफेक्टिव प्रोडक्ट, तो ये मैं जो लाइन आपके लिए डैश छोड़ा है उसमें आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, टीवी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके नीचे ही लिखिएगा सर। फिर सर के बाद जो कॉमा लगा है, कॉमा के जस्ट नीचे, उसके पहले नहीं लिखिएगा, जस्ट नीचे एक मैंने डैश छोड़ा है, उसमें आपको लिखना है कब लिया था, लास्ट मंथ लिया था, वीक लिया था, किस वीक लिया था, ये लिखना है। फिर आई परचेस्ड अ, फिर प्रोडक्ट का नेम जो हमने ख़रीदा है, फिर फ्रॉम योर शॉप, अगेंस्ट कैश मेमो नंबर लिखना है इसके आगे, जिस दिन लिया है उस दिन की डेट डालनी है, और वारंटी हो तो वारंटी डालिएगा, नहीं हो तो मत डालिएगा। फिर एक लाइन छोड़िएगा, दूसरा पैराग्राफ में क्या है, आई एम सॉरी टू टेल यू डैट एट स्टार्टिंग, अगर आपका प्रोडक्ट अगर शुरू में ही गलत कर रहा हो, तो आप ये गलत कर रहा हो या फिर सही चल रहा हो, तो सही चलने में क्या लिखेगा, एट स्टार्टिंग इट गिव्स सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस बट नाउ इट हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स सच एस, जो भी प्रॉब्लम आपको दिख रही हो उस प्रोडक्ट में वो प्रॉब्लम्स आपको सब मेंशन करनी है। फिर एक लाइन छोड़िएगा, फिर पैराग्राफ तीसरा, वाइल ऑन द परचेज यू मेक अस काउंट मैनी फीचर्स ऑफ इट ब्रॉडली बट नाउ इट आई एम फीलिंग चीटेड, आई देयरफॉर रिक्वेस्टेड यू एदर टू सेट इट रिपेयर इफ इट हैज माइनर डिफेक्ट और रिप्लेस इट फॉर न्यू वन इफ इट बियॉन्ड रिपेयर। तो इस लाइन में आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बस ये आप याद कर लीजिएगा, वही लिख दीजिएगा। इसमें आपको फुल मार्क्स मिल रहे हैं, कोई भी कठिनाई नहीं होगी आपको। फिर एक लाइन छोड़िएगा, फिर लिखिएगा वी विल अप्रिशिएट योर एक्शन इफ़ यू रिप्लेस और रिपेयर इट एज सून एज पॉसिबल, बस आपको यही लिखना है। बस शुरू में आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी सच एज के बाद, बस और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही लिखना है। फॉर लास्ट में योर ट्रूली एक्स वाई जेड, अगर आपको नाम नहीं दिया गया हो तो एक्स वाई जेड लिखिएगा। थैंक यू, और ये वीडियो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।